दोस्तों, गली बॉय के धर्मेश परमार उर्फ एमसी तोड़फोड़ का निधन हो गया है। उनके निधन की वजह कार एक्सीडेंट बताई जा रही है। एमसी तोड़फोड़ ने 24 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। धर्मेश परमार के निधन की खबर आने के बाद रणवीर सिंह और सिद्धांत चतुर्वेदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। धर्मेश परमार ने रणवीर सिंह की गली बॉय के साउंड ट्रैक के लिए अपनी आवाज दी थी। इसके अलावा वो एक सिंगिंग बैंड का भी हिस्सा थे, जिसका नाम है स्वदेशी। स्वदेशी बैंड ने धर्मेश परमार की मौत की पुष्टि की है। कहा जा रहा है कि धर्मेश परमार यानी एमसी तोड़फोड़ की कार का एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई है, लेकिन उनके परिवार की तरफ से अभी तक उनकी मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। दूसरी ओर रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए धर्मेश को श्रद्धांजलि दी है। रणवीर सिंह के साथ ही सिद्धांत चतुर्वेदी ने भी धर्मेश उर्फ एमसी तोड़फोड़ को श्रद्धांजलि दी है। इंस्टाग्राम पर उनके बैंड ने एक पोस्ट शेयर कर उनके निधन की जानकारी दी और अंतिम संस्कार से संबंधित डिटेल्स भी साझा की हैं। स्वदेशी मेला में एमसी तोड़फोड़ की परफॉर्मेंस का वीडियो शेयर करते हुए उनके निधन की जानकारी दी गई है। वहीं रैपर रफ्तार ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। बता दें कि धर्मेश परमार का एक एल्बम ट्रुथ एंड बास इसी महीने की 8 तारीख को रिलीज हुआ था, जिसे उनके फैंस से बहुत प्यार मिला। अपने छोटे से करियर में धर्मेश परमार ने कई इंटरनेशनल सिंगिंग परफॉर्मेंस भी दी हैं और खूब तारीफें बटोरी हैं। तो दोस्तों, आप भी धर्मेश परमार उर्फ एमसी तोड़फोड़ को कमेंट बॉक्स के जरिए श्रद्धांजलि देना ना भूलें। साथ ही ऐसी लेटेस्ट अपडेट से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।